बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFS की गणना के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो CFS ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं वो इस तरीके से है, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज इक्वल्स टू -0.4x प्लस 0.6y डेल ओ प्लस ए पाई। यहाँ x और y तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इंडिकेट करते हैं, x उन इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है जो T2 जो ऑर्बिटल्स में होंगे और y EG ऑर्बिटल्स में। डेल इंडिकेट करता है एनर्जी गैप को T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जबकि A एक नंबर है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को की संख्या को बताता है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर इस तरीके से, और पाई एवरेज पेयरिंग एनर्जी। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है T2G और EG ऑर्बिटल्स में, ध्यान देना, T2G और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक है पाई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि दूसरा है एवरेज पेयरिंग एनर्जी, औसत युग्मन ऊर्जा। एवरेज पेयरिंग एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमको दो तरह की एनर्जीज ध्यान रखनी पड़ती है, एक कूलम्बिक रिपल्सन और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। ये दो शब्द यहाँ पर जो काम में ले रहे हैं उनसे डिसाइड होता है एवरेज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू। कूलम्बिक रिपल्सन बोला जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पेड करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा के रिगार्डिंग, वो कूलम्बिक रिपल्सन के बराबर होती है, और एक्सचेंज एनर्जी पैरेलल स्पिन को एंटी पैरेलल करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी जाने वाली एनर्जी के बराबर होती है। अब सवाल ये उठता है कि T2G और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन दोनों फैक्टर पे ही डिपेंड करती है, डेल और पाई। डेल और पाई में यदि पाई एवरेज पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल से या डेल ज़्यादा है पाई से, यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स हमने हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट कोबाल्टेट 3 नेगेटिव आयन का शो कर रखा है, तो कोबाल्ट 3 प्लस आयन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में, उनमें एक पेयर होगा, बाकी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन वीक लिगेंड के प्रेजेंस में जब हम लोग डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग चेक करते हैं तो पता लगता है T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप था वो कम रहता है, मीन्स एवरेज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एवरेज पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की कंडीशन में, या ये कह दीजिए डेल कम होने पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, ऐसे में T2G और EG में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने के बाद ही पेयरिंग शुरू होगी, ये कंडीशन वीक लिगेंड्स के साथ में होती है। जितने भी वीक लिगेंड्स होंगे वहाँ सब जगह यही होगा कि पाई ज़्यादा होगा डेल से। तो ऐसे में CFSE की कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमको T2G में 4 और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ऐसे में CFSE की वैल्यू बराबर होगी -0.4 × 4 इंडिकेट करता है T2G में इलेक्ट्रॉन्स को, प्लस 0.6 × 2 इंडिकेट करता है EG में इलेक्ट्रॉन्स को।
प्लस चूंकि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर एक ही जगह वन यूज कर रखा है और पाई, तो टोटल सी एफ एस ई यहाँ पर होगी माइनस 0.4 डेल ओ प्लस पाई। इसी तरीके से अगर लिगेंड स्ट्रोंग होगा उस कंडीशन में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी डेल पाई से, मीन्स क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एवरेज पेयरिंग एनर्जी की तुलना में। ऐसे में ये कोबाल्ट 3+ आयन के 6 के 6 लिगेंड्स T2g ऑर्बिटल्स में ही रखे जाएंगे और अब की बार सी एफ एस ई की कैलकुलेशन करेंगे तो EG ऑर्बिटल चूंकि खाली है अतः सी एफ एस ई इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 इंटू 6 इंडिकेट कर रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स T2g में ही है प्लस 3π। तो इस तरीके से हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में इसी तरीके से पेयरिंग होगी। तो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के फील्ड होने पर जो सी एफ एस ई है वो इस कंडीशन से इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सी एफ एस ई की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।